आपको तो पता ही है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। What's up guys, कैसे हो? ये लारो ये प्रे देखेंगे। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। जैसे आप लोगों को पता है कि इंडिया इज अंडर लॉकडाउन टिल 30th ऑफ अप्रैल। अब प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज टुक अ ब्रेव स्टेप रिगार्डिंग दिस कर्फ्यू एंड लॉकडाउन, एंड आई होप दैट तुम लोग सब इसको फॉलो कर। और हम सभी लोग को ये पता है कि अगर हम ये चीज़ फॉलो नहीं किया तो इंडिया 20 साल पीछे चले जाएगा, और कोई ये नहीं चाहता है कि आपका देश, जो हमारा देश है, वो 20 साल पीछे चले जाए। और हम सभी को इसी सोच के साथ, इस वायरस के साथ साथ में लड़ने। हम बात करते हैं हाउ दिस लॉकडाउन विल मेक यू अ बेटर कैबिन क्रू। थिंक थोड़ा क्रिएट। नंबर वन, डोंट बी अ काउच पोटैटो। इंस्टेड ऑफ दैट, यूटिलाइज योर डे एटलीस्ट 30 मिनट्स इन योर फिटनेस, ताकि आपकी एनर्जी प्रॉपर चैनलाइज करें। क्योंकि आपको तो पता ही है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसके बाद आपके रूम में जाए और थिंक हाउ क्रिएटिवली यू कैन डिज़ाइन योर वॉल। इस समय तक आपको पता चल ही गया होगा दैट काम वाली बाई इज मिसिंग इन योर लाइफ। तो थोड़ा रूम भी क्लीन कर ले। मैं तो सिर्फ सजेशन दे रहा हूँ, बाकी सब आपके ऊपर है। ये सब होने के बाद थिंक अबाउट योर सेल्फ, वॉट यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ। फॉर 5 मिनट्स जस्ट थिंक अबाउट योर शॉर्ट टर्म गोल्स, योर लॉन्ग टर्म गोल्स। आप एग्जैक्टली आपके लाइफ से क्या करना चाहते हैं, राइट इट डाउन ऑन पीस ऑफ पेपर एंड स्टिक एनी वेयर वेयर जहाँ तुम रेगुलरली उसको देखते हो। ये सब करने के बाद डेफिनेटली तुम लोग को भूख लगी होगी, तो लेडीज एंड जेंटलमैन डोंट वरी अबाउट दैट, गो टू द किचन एंड हेल्प योरसेल्फ्स। किचन पर आने के बाद आपका ये होगा कि मसाले के डब्बे कहाँ होगा वो पता नहीं होगा, बट डोंट वरी, आई नो यू गाइस कैन मैनेज इट। मेक अ डिश इन सच अ वे दैट तुम हमेशा कोशिश करना चाहते हो बट नहीं कर पाए। डोंट वरी, एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी डेफिनेटली एबल टू डू इट। ये सब होने के बाद डेफिनेटली आप लोग को चाहिए कुछ एंटरटेनमेंट के लिए। तो वॉट यू कैन डू इज यू कैन वॉच सम टीवी और एनी प्रोग्राम वेयर यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। क्योंकि मेरे को पता है आप लोग को अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव करवाना चाहते हो, तो यू कैन वेरी वेल वॉच एनी इंग्लिश मूवी और एनी सीरीज और एपिसोड, सो दैट आपके स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद भी आपको बोर होता है तो कोई बात नहीं, ये सोचो कि आपके पास एक ब्यूटीफुल मशीन है आपके गैराज में, उसको साफ करना है। चलाना नहीं है, सिर्फ साफ करना है। ये करना ज़रूरी नहीं है बट करेगा तो बेटर है। वो सब होने के बाद आप घर पे आए, हाथ अच्छे तरह से धोए, फेस वॉश करें, ताकि आपका फेस मेंटेन रहे फॉर अ कैबिन क्रू। अगर ये सब करने के बाद भी आप बोर हो जाते हो और आपका दिल मांगे मोर, डोंट वरी, आप बुक्स रीड कर सकते हो या फिर आप ऑनलाइन में ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, विच विल ऑल्सो हेल्प यू टू इम्प्रूव योर स्किल्स, दैट इज़ द सॉफ्ट स्किल्स, ताकि आपको फ्यूचर में बहुत जगह पे। एंड फाइनली जब भी आप सोने जाते हो, सोने से ठीक पहले भूल मत जाइए, आपके भाई का भी एक यूट्यूब चैनल है, 2-4 वीडियो देख के सो जाइए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस आर ऑल द थिंग्स वॉट यू कैन डू इन योर लॉकडाउन। यूटिलाइज इट प्रॉपरली, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये सब आपके अच्छे के लिए है। अगर आप ये सही तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो, ये आपके लिए ही अच्छा होगा। सो मेरे को मेरी जनता से 2 चीज़ पूछनी है। नंबर 1, क्या आप लोग इस तरीके से लॉकडाउन को एक्सपेक्ट करते हो? नंबर 2, आप इस लॉकडाउन में कैसे आप टाइम यूटिलाइज करते हो, कमेंट में बता दीजिए। सो विद दैट सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ hit the like button and please do subscribe. And with that said, thank you, gracias, mercy, dhanyavad. See you in the next vlog. Tab tak, bye bye, take care, signing off.